है ना। अभी सुनो एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना कहानी को। एक बार नदी जो है वो समुद्र के सामने जाती है और बोलती है ना कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी ला के रख सकती हूँ, वो भी जड़ से उखाड़ के, तुम जो कहो, पेड़ पौधा इंसान घर जो कहोगे ना, मैं पहाड़ मतलब जो भी कहोगे सबको मैं अपने साथ बहा के ले आऊंगी, ठीक है, और तुम्हारे सामने डाल दूंगी। ये बात सुन के समुद्र को समझ में आ गया कि इसको अहंकार आ गया है, ठीक है, नदी को अहंकार आ गया है कि अहंकार में बोल रही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उखाड़ के ला के तुम्हारे सामने रख सकते हैं। समुद्र बोला कि ठीक है जाओ मेरे लिए घास उखाड़ के लेके आओ, घास जानते हो ना जो जमीन में छोटा छोटा घास रहता है, बोले कि जाओ मेरे लिए घास उखाड़ के लाओ। नदी जाती है और पूरे एकदम प्रचंड वेग के साथ वो पूरी तरह से घास को उखाड़ने की कोशिश करती है, अपने पानी का बहाव पूरा तेज कर देती है, लेकिन फिर भी वो घास को नहीं उखाड़ पाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी बाकी चीज को तो उखाड़ देती है लेकिन उस घास को वहां से हिला भी नहीं पाती है। तब तक ये बात जो है वो नदी को समझ में आ जाती है, ठीक है, कि समुद्र क्यों उसको बोला था कि तुम जाओ एक बार ये घास उखाड़ के ले आओ। फिर जो नदी है वो जाती है समुद्र के पास और बोलती है सब युका के कि मुझे गलती का एहसास हो गया कि मैं बाकी चीज तो उखाड़ के ला सकती थी लेकिन घास को नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि जब भी मैं कोशिश करती थी उसको उखाड़ने के लिए तो वो पूरी तरह से झुक जाता था। घास को देखते हो जब पानी डालते हो तो पूरी तरह से जमीन में पड़ जाता, उसको लगता है कि उसके पास कोई जाना है, बोलो, तो वो चाह के भी नहीं उखाड़। इसी तरह से तुम लोग हो, अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि क्या करना है, उडंड जैसे फालतू का हवा में उड़ना है, वही बैलून जैसे कोई एक पिन मारा जमीन पे गिर जाना है, या खुद का तुम लोगों को बेस मजबूत करना है। एक बात बताओ, जब पूरा तुम्हारा ग्रोथ होगा तभी तो तुम्हारा बेस मजबूत होगा, जब तुम मजबूत रहोगे तो तुमको कोई गिरा सकता है, बोलो। और अगर तुम हवा में उड़ रहे हो तो जो आएगा जिधर से धक्का मारेगा गिरोगे ही गिरोगे, कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे, फिर वही के वही रहोगे। अब देखना तुम लोगों को है कि तुम लोगों को करना क्या है। और एक बात तो क्लियर बता रहे हो कि मेरे अलावा तुम लोगों को कोई भी नहीं मिलेगा कि तुम लोगों को इस हद तक कहेगा कि अपने लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आज के डेट में हर कोई यही है कि एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और कोई नहीं चाहता है ना कि हमारे सामने कोई आगे बढ़े और खड़ा रहे। समझ में आया? क्योंकि आज के डेट में हर इंसान के अंदर इतना स्वार्थ भर चुका है ना, हम लोगों को ही समझाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं बताने वाला था। मुझे पता है तुमको रियलाइज होता है लेकिन बाद में होता है, पर क्या फायदा बताओ, क्या फायदा? जब सारा चीज तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो फिर तुम रियलाइज करके ही क्या करोगे? इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तुम लोगों को दे रही हूँ हर चीज सीखने का करने का, हर एक इंसान को बराबर मौका दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ? ऐसा कभी लगता है तुम लोगों को किसी को कम किसी को ज्यादा दे रही हूँ? बोलो। और इतना करने के बाद भी अगर तुम लोग नहीं कुछ कर पाओगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे तो मुझे कितनी दुख होगी बताओ? मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे इसमें क्या, मेरा क्या स्वार्थ है? है कोई स्वार्थ? मेरा तो काम तुम नहीं करोगे, ये करेगा ये नहीं करेगा ये करेगा, कोई ना कोई तो मेरा काम करके देगा ना, बोलो। जैसे ही थोड़ा सा तुम लोग को यहाँ से यहाँ बढ़ाती हूँ घमंड आ जाता है, एक दूसरे को ही गिराने लगते हो। कोशिश करो जमीन न छोड़े, क्योंकि जिस दिन जमीन छोड़ दिया ना समझ लो कि तुम गिर गए, अब उसके आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो। समझ गया? और अभी एक चीज और बता रही हूँ, हम हो तुम हो या कोई हो, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, इतना सा भी नहीं जानते हैं। बाहर निकलो देखो कि लोग कितने एक्सपर्ट से बैठे हुए हैं, हम लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आती हूँ सुबह ना तो हर रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, यहाँ तक कि तुम लोग से भी सीखने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मैं कुछ नहीं हूँ। और तुम लोगों को पता नहीं इतना सीखते हो तो लगता है कि पूरा दुनिया जान गया है। आ रहा है समझ में? अगर इसके बाद भी नहीं समझोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो कि अपने लाइफ को कैसे आगे लेके जाओगे। मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, मैं तुम्हारे पीछे सिर करूंगी, उसे अच्छा इसको आगे बढ़ाऊंगी, कहो कि कम से कम ये तो लाइफ में अपना खुश रहेगा ना, इसका फैमिली वाले तो खुश रहेंगे ना। जाओ सर लंच करो, चलो।